दोस्तों लाया हूँ एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। जब किसी व्यक्ति के मन में अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है तब से ही उस व्यक्ति का जीवन पतन की ओर बढ़ने लगता है। तो दोस्तों इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। शहर से दूर एक घने जंगल में एक आम का पेड़ था और एक लंबा घना नीम का पेड़ था। नीम का पेड़ अपने पड़ोसी आम के पेड़ से बात तक नहीं करता था, उसको अपने बड़े होने का घमंड था। एक बार एक रानी मधुमक्खी नीम के पास पहुंची और उससे कहा, नीम भाई मैं आपके यहाँ पर अपने शहद का छत्ता बना लूँ। नीम के पेड़ ने कहा, नहीं जा जाकर कहीं और अपना छत्ता बना। इतना सुनकर आम के पेड़ ने कहा, भाई छत्ता क्यों नहीं बना लेने देते, यह तुम्हारे पेड़ पर सुरक्षित रह सकेंगी। इतने पर नीम के पेड़ ने आम के पेड़ से कहा, मुझे तुम्हारी सलाह की आवश्यकता नहीं है, तुम अपना काम करो। रानी मधुमक्खी ने फिर से आग्रह किया तो भी नीम के पेड़ ने मना कर दिया। रानी मधुमक्खी आम के पेड़ के पास गई और कहने लगी, क्या मैं आपकी शाखा पर अपना छत्ता बना लूँ। इस पर आम के पेड़ ने उसे सहमति दे दी और रानी मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया। छत्ता बनाने के बाद वहाँ सुखपूर्वक वह रहने लगी। तभी कुछ दिनों बाद कुछ व्यक्ति वहाँ पर आए और कहने लगे कि इस आम के पेड़ को काटते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की नज़र मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी और उसने कहा, यदि हम इस पेड़ को काटते हैं तो यह मधुमक्खी हमें नहीं छोड़ेगी, अतः हम नीम के पेड़ को काट लेते हैं, इससे हमें कोई खतरा नहीं है और लकड़ियाँ भी हमें अधिक मात्रा में मिल जाएंगी। यह सब बात सुनकर नीम का पेड़ डर गया, लेकिन अब वह भी क्या कर सकता था। दूसरे दिन सभी व्यक्ति आए और पेड़ काटने लगे तो नीम के पेड़ ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, नहीं तो ये लोग मुझको काट डालेंगे। तब मधुमक्खियों ने उन पर हमला किया और उन्हें वहाँ से भगा दिया। नीम के पेड़ ने मधुमक्खियों को धन्यवाद दिया। इस पर मधुमक्खियों ने कहा, धन्यवाद हमें नहीं, यदि धन्यवाद बोलना है तो आम को बोलिए, यदि वो हमसे ना कहते तो हम आपको कभी बचाने नहीं आते। दोस्तों कभी कभी बड़े और महान होने का एहसास हमें घमंडी और क्रूर बना देता है, जिससे हम अपने सच्चे साथियों रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं और इस दूरी की वजह से फिर हमें अकेलापन महसूस होने लगता है। दोस्तों जब भी आप सफलता प्राप्त कर लें तो आप अपने मन में कभी भी अहंकार का भाव जागृत ना होने देना। दोस्तों यह कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है। जब जब भी किसी व्यक्ति के मन में अहंकार का भाव पैदा हुआ है तब तब वह व्यक्ति पतन की ओर गया है। तो दोस्तों आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।